डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जोशुआ है और मैं केरल का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक मछली पकड़ने वाला हूँ और स्कूल के वक्त ही मुझे पता लग गया था भविष्य में मुझे क्या काम करना है। मेरे पिता भी मछली पकड़ा करते थे लेकिन किसी और की नाव पर, और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। वो तरक्की भी नहीं कर पा रहे थे और वो माना करते थे कि मैं पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करूँगा, लेकिन मेरा ध्यान भी कहाँ पढ़ाई में लगा करता था। पढ़ना मुझे कभी पसंद नहीं था। मैं सोचा करता था अगर पढ़ नहीं पाया तो पिता की तरह मैं भी मछली पकड़ने लगूंगा। मुझे पिता कभी कभी उस नाव पर समंदर के बीच लेकर जाया करते थे, जाल फेंका करते थे मछली पकड़ने के लिए, और मेरी आंखें चमक जाया करती थी। उन मछलियों को देखकर मुझे ऐसा लगा करता समंदर में कितनी बड़ी दुनिया है जहाँ जाकर हम खंगाल तक नहीं सकते। और मेरे पिता कहा करते ये काम मुश्किल भरा है क्योंकि मालिक की जिस नाव पर वो मछली पकड़ा करते थे वहाँ उन्हें बहुत कम पैसे मिला करते थे। और वो मुझे कहा करते थे अगर तुम्हें यही काम करना है तो भविष्य में अपनी नाव लेनी होगी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था जोसफ। जोसफ और जोशुआ की जोड़ी स्कूल में बड़ी फेमस थी क्योंकि हम झगड़े बहुत ज़्यादा मोल लिया करते थे। वो चाहे और लड़कों से हो या टीचर से, हम हमेशा झगड़ते ही रहते थे। और लड़के हमारा मजाक बनाया करते तो हम उन्हें पीट दिया करते, टीचर हमें पीटा करते तो हम उसे भी पीट दिया करते। इस तरह स्कूल की जिंदगी बड़ी खराब रही, अच्छी नहीं कह सकते। लेकिन घर की वो मुसीबतें जब आप बड़े होने लगते हैं आपको चुभने लगती हैं। और तब तक ये भी पता लग गया था पढ़ लिख नहीं पाएंगे, पहले से कभी ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान क्या दे पाएंगे। तो हमने ठान लिया दोनों मिलकर एक नाव खरीदेंगे, उस नाव से हम भी मछली पकड़ना शुरू कर देंगे। किसी के साथ काम नहीं करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और तब तक मेरे पिता की सेहत भी खराब रहने लगी थी, उन्हें एक ऐसी बीमारी लग गई थी जो ठीक नहीं हो पा रही थी। और वो मछली पकड़ने के लिए कभी कभी समंदर में जा पाते, जब वापस आते बहुत ज़्यादा बीमार हुए होते। मैंने अपने पिता को कह दिया था आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 19 साल का हो चुका हूँ, अब ये काम मैं करना शुरू कर दूँगा। 2 साल पहले मैंने अपने पिता को ये चीज़ कही थी, उसके बाद मैंने ये काम करना शुरू कर दिया। अपने साथी के साथ हम दोनों ने मिलकर एक ऐसी नाव खरीदी थी जो काफ़ी पुरानी थी लेकिन काम चलाऊ थी। उससे हम पैसे कमाने लगे, पूरा जोर लगाकर हम मछली पकड़ते, समंदर के बीच जाते, और कभी कभी जब तूफान आया होता हमें बस किनारे पर इंतज़ार करना पड़ता कब तूफान जाए और हम मछली पकड़ने के लिए दोबारा समंदर में जाएं। बरसात का मौसम जैसे भुखमरी का मौसम हो जाता है, हम काम नहीं कर पाते, पैसे नहीं कमा पाते और बस उन लहरों को देखना पड़ता है जो आसमान को छूने पर उतारू हुई होती हैं। हमारे जैसे मछली पकड़ने वाले बस रोते ही रह जाते हैं और ये सबसे खराब समय होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, समय जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, गुजर जाता है। उसी तरह बरसात का मौसम भी गुजर जाया करता है। मैं जब भी अपनी ये नाव पर मछली पकड़ने के लिए जाता हूँ ना, उससे पहले मेरी माँ मुझे गले से लगा लेती है। पता नहीं क्यों बचपन की एक छोटी सी घटना ने उन्हें बहुत ज़्यादा डरा कर रख दिया। बचपन में जब मैं अपने गांव में खेल रहा था, 2 आदमी आए थे, उन्होंने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे, और दोनों में से एक ने मुझे उठाया और वो जंगल की तरफ भागना शुरू हो गया था। गाँव वाले उनके पीछे थे, वो मुझे बचाना चाहते थे, लेकिन वो दोनों लोग ढूंढे नहीं जा सके। बहुत समय बाद मैं चलता हुआ वहाँ से गांव की तरफ आ रहा था, गांव वालों ने मुझे उठाया था, लेकिन वो दो लोग
कभी ढूंढे नहीं जा सके। और इसके बाद से मेरी माँ बहुत ज़्यादा डरती है। किसी को नहीं पता वो दो लोग कहाँ से आए थे और वो मुझे उठाकर कहाँ ले जाना चाहते थे और उन्होंने मुझे छोड़ क्यों दिया। ये मेरे बचपन का राज है जो शायद मेरे घर वालों को पता तो है लेकिन वो मुझे बताना नहीं चाहते और मैं भी पूछना नहीं चाहता। माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी उस घटना के बारे में हम बात करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा था। माँ को गले लगाने के बाद मैं जोसेफ को बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे फ़ोन लगाता जा रहा, वो फ़ोन पिक कर ही नहीं रहा था, तो मैं सीधा उसके घर पहुँच गया। जल्दी कर, 8 बज चुके हैं, आज देख धूप कितनी अच्छी निकली हुई है, सबसे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा, आज अच्छी मछलियाँ मिलेंगी और आज तो अच्छी तगड़ी कमाई होगी। जोसेफ नहा रहा था और बाथरूम से ही कहे जा रहा था, जल्दी आता हूँ यार, नहाना रह गया था, 2 दिन से मैं नहाया ही नहीं, घर के काम करता रह गया, अभी नहा कर आता हूँ, तू ऐसा कर वहीं रुक, माँ खाना बना रही होगी, तू खा कर आया है या यहीं बैठकर खाते हैं, उसके बाद पैक करके हम सीधा समंदर की तरफ बढ़ने लगेंगे। मैं जोसेफ की माँ के हाथ का खाना खाने लगा। नहा कर जोसेफ भी आ गया था, हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, बाकी पैक किया और जल्दी से हम अपनी नाव पर जाकर बैठ गए। अब समंदर के बीच में हम जाते जा रहे थे। कोई भी चेतावनी बताई नहीं गई थी। हमें पहले ये पता करना होता है कि हवाओं का जाल बिछने वाला तो नहीं, बादल घिरने वाले तो नहीं, क्योंकि समंदर में अगर मौसम खराब हो जाए लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठने लगती हैं और तब समंदर में जाना मौत को बुलावा देने के बराबर होता है। हमारे पास ये मोटर वाली बोट थी, इसे बड़ी तेज़ी से चलाया जा सकता था, लेकिन अगर मौसम खराब हो जाए तो समंदर के बहुत बीच तक हम गए होते हैं, वापस आने में बहुत समय लगता है और इतने में खतरा बढ़ सकता है। एक बार हमने ये गलती की थी, उसके बाद से आज तक हमें पछतावा हो रहा है। उस दिन हमारी बस जान ही बची थी, हम ज़्यादा दूर तक गए नहीं थे, चेतावनी हमने पढ़ी ही नहीं थी। अब तो हमने चेतावनी पढ़ना, जितनी भी अनाउंसमेंट होती है, न्यूज़ देखना शुरू कर दिया है और अब हमें साफ साफ पता लग जाता है कब मौसम खराब होने वाला है कब नहीं। और आज के बारे में बताया गया था कि आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, यहाँ ज़्यादातर भीड़ लगी हुई थी ऐसे ही मछुआरों की, सभी अपनी अपनी नाव लेकर समंदर के बीच मछली पकड़ने के लिए जाने वाले थे। और हमारा प्लान था इस बार नॉर्थ साइड को थोड़ा जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हमें अच्छी मछलियाँ मिलती हैं, कई बार ऐसी कैटफिश मिल जाती है जो थोड़ी महंगी बिकती हैं, इस बार दोबारा उसी तरफ जाने की कोशिश करेंगे। समंदर के बीच जब जाना शुरू कर दो ना, रास्ता भटकना काफ़ी आसान हो जाता है, छोटे छोटे टापू आपको समंदर के बीच दिखने लगते हैं, कई जगह ऐसे बड़े बड़े पत्थर जैसे समंदर के बीच से बाहर निकले होते हैं, जिससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि यहाँ पानी ज़्यादा गहरा नहीं है बल्कि थोड़ा कम है। वो रास्तों से गुजरते हुए पहचान हमने कर ली थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने खास जगह की निशानी लगाई हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद अपना जाल बिछा दिया, दूर दूर तक हमें कोई मछुआरा नज़र नहीं आ रहा था। हमने जब जाल बिछाया अब हमें 1 घंटे तक इंतज़ार करना था ताकि मछलियाँ अच्छे से फंस जाएं। उसके बाद जाल को खींचने की कोशिश करेंगे और जितनी मछलियाँ आईं उसे लेकर नाव भरकर यहाँ से निकल लेंगे। हम दोनों बस इंतज़ार कर रहे थे, पता नहीं कैसे वहाँ पहले सूरज की रोशनी साफ साफ नज़र आ रही थी, शरीर पर थोड़ी सी तपिश पड़ रही थी। हम कपड़े लेकर आते हैं शरीर को ढांकने के लिए, उन कपड़ों को बार बार गीला करना पड़ता है। इस तरह से समंदर के बीच अगर हम धूप को सेकने लगे तो हमारा मांस भी सड़ने लगेगा क्योंकि यहाँ ओजोन लेयर बहुत कम होती है। अचानक बादल घिरने शुरू हो गए। बादलों को देखकर जोसेफ भी कह रहा था, ये बादल कहाँ से आने लगे, ये काले रंग के लग रहे हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं, न्यूज़ में देख कर आया था, बादल तो है ही नहीं, आसमान तो पूरी तरह से साफ है, ये बादल वैसे ही होंगे, कुछ निकल जाएंगे 10-15 मिनट में, डरने की बात नहीं है। हवा जरा भी नहीं चल रही थी, हम बस इंतज़ार करते रहे। बादल ऐसे घिरे, चारों तरफ अंधेरा सा होने लगा था और तब जोसेफ ने कहा, चल चल निकलते हैं यार, न्यूज़ छोड़, वो गई भाड़ में, मुझे डर लग रहा है भाई, हवा चलनी शुरू हो गई ना, लहरें ऊपर उठने लगेंगी। और मुझे भी जोसेफ की बात सही लग रही थी, हाँ हाँ यार निकलना चाहिए, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक बादलों के बीच बिजली कड़कड़ाने की वो आवाज़ जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हमारी आंखों के सामने बादलों से निकलकर
वो बिजली जैसे समंदर पर पड़ी थी और हम चीख पड़े थे, निकलो निकलो, खींचो जाल, खींचो खींचो, जितनी मछलियां हैं खींचो खींचो। हम दोनों ने जाल को खींचना शुरू कर दिया। हमने ध्यान दिया कि मछलियां ज़्यादा फंसी हुई थी, और जब ज़्यादा मछलियां फंसी होती हैं तो उन्हें खींचने में भी ज़्यादा समय लगता है। जैसे जैसे उन मछलियों को नाव पर भरने की कोशिश कर रहे थे, हम पूरे जाल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे थे, वहां हवा चलने लगी थी और ये खौफ का माहौल पैदा हो गया था। हम तट से बहुत ज़्यादा दूर आए हुए थे और वापस पहुंचने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता, इसीलिए हम दोनों की टांगें कांप रही थी। जोसफ ने कहा, मछलियाँ छोड़, जितनी आ गई आ गई, ऐसा कर ये जाल को एक तरफ से खोल दे, खोल दे। मैंने कहा, नहीं यार, आज बहुत ज़्यादा मछलियाँ आई हैं और जैसा मौसम है ये मछलियों से हम बहुत दिनों तक कमाई कर पाएंगे। मैं पूरे के पूरे जाल को खींचना चाहता था। जोसफ कह रहा था, समय बीतता जा रहा है, जल्दी करना। हमें आधा जाल खोलना ही पड़ा। अभी आधी मछलियां नाव पर पहुंची थी। उसके बाद ऊपर का ढक्कन लगाकर मैं नाव को चलाने की कोशिश करने लगा। नाव को बंद किया हुआ था। अमूमन जब मौसम थोड़ा सा भी खराब हो हम नाव को बंद नहीं करते, ताकि मोटर दोबारा स्टार्ट ना करनी पड़े। ये पुरानी नाव थी ना, ये मोटर भी पुरानी थी, इसे स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। अब इस नाव की मोटर भी स्टार्ट नहीं हो रही और हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे। बड़ी सी बेल्ट थी जो एक बड़े से पहिए के ऊपर लगाकर हमें खींचनी पड़ती, जिससे हम ये मोटर को स्टार्ट किया करते थे। ये पुराने स्टाइल की मोटर थी, काफ़ी सस्ते में मिली थी। हमने पूरा जुगाड़ लगाकर ही ये नाव, ये मोटर खरीदी थी, ताकि आसानी से काम कर पाएँ, ज़्यादा पैसे बच पाएँ। लेकिन जब मुसीबत में हो तो सस्ते को हमेशा दूर रखना चाहिए। अब हम उसी सस्ती नाव पर फंसे हुए थे और माहौल जैसे तूफान का हो गया था। चेतावनी नहीं दी गई, ऐसे काले बादल कहाँ से घिर आए। लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी थी, नाव को धकेले जा रही थी एक दिशा में, और वहां हमें कोई टापू भी नजर नहीं आ रहा। अमूमन जब ऐसे लहरें ऊंची उठने लगती हैं तो आसपास अगर कोई टापू मिल जाए तो टापू के आसपास हमें नाव लगा लेनी चाहिए, इससे बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और समय का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी नाव स्टार्ट नहीं हो रही थी और उसके बाद वो लहरें हमें धकेलती धकेलती अलग अलग दिशा में ले जाती जा रही थी। हवाएं चलने लगी थी, वो लहरें बहुत ऊंची उठने लगी थी और किसी तरह मैंने मोटर को स्टार्ट कर लिया। वो जो मछलियां थी वो हमें नीचे का ढक्कन खोलकर बाहर फेंकनी पड़ी थी, ताकि नाव को हम हल्का कर पाते, इससे नाव तेज चल पाती। मौसम इतना खराब हो जाएगा हमें अंदाजा तक नहीं था। मैं नाव को अपने कंट्रोल में ले चुका था और किसी तरह लहरों को चीरता हुआ सही दिशा में तट की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हमें ये तक पता नहीं था कि हम कितनी दूर निकल आए हैं। अमूमन आसमान की तरफ देखकर, सूरज की दिशा देखकर, वो किस तरफ ऊपर की तरफ हो रहा है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं तट किस तरफ है। लेकिन बादलों में घिरने के बाद आपको पता नहीं रहता किस दिशा में जाना है। फिर भी कंपास के जरिए मैं सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहा, बोट को भगाए जा रहा, नाव को काफ़ी तेज़ी से निकाले जा रहा। बादल बहुत तेज़ी से बढ़ते गए और अचानक हम एक ऐसी जगह पर पहुँचे, हाथ में मैं कंपास को देखे जा रहा था और वो चारों दिशाओं में जैसे घूमने लगा था। ऐसा नहीं होता, हमेशा दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की तरफ ऐसा कंपास इशारा करता है, लेकिन ये कंपास गोल गोल घूमने लगा था। शायद ये खराब हो गया था। अब हमारे बचने के रास्ते जैसे और भी मुश्किल भरे होते जा रहे थे। जोसफ मुझसे कहता गया, इस दिशा में भगाता जा, आगे की तरफ निकालता जा, कोई ना कोई ऐसी नाव वगैरह कुछ मिलेगा ना, जिससे हमें पता लगेगा कहाँ जाना है। कोई सिग्नल तो मिलेंगे ना, मेरे पास रेडियो है लेकिन मैं सिग्नल भेज नहीं पा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट कर नहीं पा रहा हूँ, ये चल नहीं रहा, पता नहीं कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ काम नहीं कर रही है। बादलों में वो कड़कती हुई बिजली हमें डरा रही थी। उसके बाद लहरें इतनी ऊंची ऊंची उठने लगी कि बस मौत का एहसास हो गया था। चीखें निकलने लगी थी और आंखों के सामने बचने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया। ये कौन सा टापू है, सामने देखो, बड़ा टापू नजर आ रहा है, जोसफ ने ये कहा था और मेरी नजरें भी उस तरफ पड़ी। हाँ हाँ, हे बड़ा टापू, हे ये कहाँ गए हम, पहचाना नहीं जा रहा, जोसफ ने कहा। जो मर्जी कर,
उस तरफ निकाल। टापू पर चलते हैं ना, नाव को एक तरफ बांध देंगे। अब बचने का यही रास्ता है। देख लहरें कितनी ऊपर उठ रही हैं, वरना बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने जोसेफ की बात मान ली। उस टापू की तरफ मैं अपनी नाव को बड़ी तेजी से बढ़ाता गया। ये एक बड़ा सा टापू लग रहा था, एक बड़ा सा द्वीप, लेकिन पहचान नहीं की जा रही थी। यहाँ आसपास हमेशा हम नाव लेकर निकलते हैं, मछली पकड़ते ही रहते हैं। ये वाला टापू मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था, और लहरों के कारण हमारी नाव इतनी ज़्यादा दूर भी नहीं निकली कि ऐसी जगह पहुँच गए जिसके बारे में हमें पता ना हो। मैंने नाव उस तरफ की और तट पर पहुँचते ही नाव से हम उतरने लगे। लहरें उस नाव को खींचना चाहती थी, लेकिन नाव के एक तरफ की वो रस्सी को खींचकर मैंने एक पत्थर से बांध दिया। लहरें कभी ऊपर की तरफ आती, कभी नीचे की तरफ आती। जोसेफ कह रहा था, जल्दी जल्दी, हमें तट पर नहीं रहना चाहिए। हम नाव को तो बांध चुके हैं ना, कहीं लहरें हमें खींचकर समंदर में ना ले जाएं। जल्दी जल्दी, हमें इस टापू के ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। ये कुछ बड़ी पहाड़ियाँ सी बनी हुई थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। ये टापू भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना था कि हम चाहे जितना भी खराब मौसम होता, यहाँ ऊपर चढ़कर बच सकते थे। ये बड़ा जंगली इलाका सा लग रहा था। हमें अब ऊपर चढ़कर पता करना था यहाँ कोई है या नहीं है, अगर खाली टापू भी है, यहाँ कोई खतरा तो नहीं, और यहाँ हम कितना समय बिता सकते हैं। हमने वो बैग भी अपने कंधे पर टांगे जो हमने नाव पर से उतारे थे, और ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो वो समंदर की लहरें हमारे पाँव को छुपा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टापू के थोड़ा हम ऊपर पहुंचे, मौसम चाहे जितना भी खराब था, लहरें इतनी ऊपर तक नहीं आ सकती थी। और वहां जाकर खुद को संभाला, मैं और जोसेफ एक दूसरे को देखते हुए कह रहे थे, यार जान बची भाई, जान बची, अगर ये टापू ना होता ना, हम तो मारे जाते। ये लहरें कितनी ज़्यादा ऊंची उठ रही हैं, मौसम कितना ख़राब है, ये तो जैसे चक्रवात आया हुआ है, और इसकी चेतावनी तक नहीं दी गई। यार ये वेदर फॉरकास्ट वाले तो हमारी जान लेकर रहेंगे भाई, ऐसे तूफान की जानकारी तो पहले देनी चाहिए थी ना। ऐसे तूफान में तो बड़े बड़े जहाज भी समंदर अपने आगोश में ले लेता है, हमारी छोटी नाव इसके सामने क्या है। अब कंधे पर बैग को टांगे हुए उस टापू के ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे। पेड़ पौधे काफी ज्यादा लगे हुए थे, झाड़ियां भी काफी ज्यादा थी, उनके बीच हमें कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। अमूमन ऐसे टापू पर लोग आते नहीं हैं, खाली मौसम हो। कभी कभी ऐसे कुछ टूरिस्ट होते हैं जो ऐसे टापू पर आना पसंद करते हैं, बिल्कुल प्राइवेसी को ध्यान रखते हुए। लेकिन यहाँ कोई ऐसी जगह दिख नहीं रही थी कि कोई यहाँ कोई घर भी कभी बनाकर गया हो। खाली सुनसान वीरान टापू था, और ऐसे टापुओं पर कई बार सांप काफी ज्यादा होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना था। हम दोनों छोटी छोटी निक्कर पहने हुए थे, अपनी टांगों को बचा कर रखना चाहते थे, तो झाड़ियों को डंडों के सहारे एक तरफ करते हुए वो हवाओं से बचने के लिए हम उस टापू के और अंदर तक जाना चाहते थे, कहीं कुछ समय बिताना चाहते थे। झाड़ियों को हम हटाते गए। उसके बाद जैसे जैसे वो पेड़ों के बीच से निकलकर एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हमें साफ ईंटों की बनी हुई एक पगडंडी नजर आई। एक छोटा सा रास्ता सा दिख रहा था। इसे देखते ही मैं और जोसेफ दोनों की आंखें चमक गई। यार ये तो रास्ता बना हुआ है भाई, ये टापू पर लोग रहते होंगे। अब सही है, अब सांस में सांस आई। अब चाहे जितना समय लगे, हम इस टापू पर बिता सकते हैं। चलो इस रास्ते का पीछा करते हैं, ये रास्ता किस तरफ जाता है। हम दोनों चलते चलते वो ईंटों वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे। अब हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। हम थके भी हुए थे, लेकिन चलने से अब डर भी नहीं लग रहा था, कोई खतरा नहीं होगा। हम वो रास्ते पर आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी समय आगे निकले। ये टापू इतना बड़ा तो था नहीं, लेकिन फिर भी ये रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, भी बिल्कुल सीधा ही। पीछे से जब हमने देखा था, ये टापू इतना बड़ा नहीं लगा, लेकिन अब चलते चलते वो जो रास्ता था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, और आधे रास्ते पर ही हम रुक कर कहने लगे,
यार आगे ये रास्ता कितना लंबा है भाई, लंबा टापू इस तरफ से छोटा नजर आ रहा था जब हमने अपनी नाव को बांधा, लेकिन आगे की तरफ काफी लंबा निकलता जा रहा है। हवाएं यहाँ भी बहुत ज्यादा हैं, बिजली ऊपर से कड़क रही है। मैं सोच रहा था कोई घर दिखेगा, लेकिन यहाँ तो कोई घर दिख भी नहीं रहा। यार कोई मिलेगा या नहीं, वरना हमें वापिस जाना होगा जब मौसम ठीक हो, फिर नाव लेकर निकलेंगे यहाँ से। हमें लगा हमें कुछ खाना चाहिए, बैग से हमने सामान निकालना शुरू कर दिया। हम एक नारियल के पेड़ के नीचे थे, वो नारियल के पेड़ के पत्ते नीचे जैसे बारिश के पानी को पहुंचने नहीं दे रहे थे। और भी कई पेड़ थे जो आसपास लगे हुए, बिल्कुल जैसे छत सी बनी हुई थी। यहाँ पानी की बूंद पहुंच नहीं पा रही, हमें लगा यहाँ बैठकर खाना खाना सही होगा, थोड़ी थकान भी मिट जाएगी। हमने जैसे ही बैग को खोला, वो बिजली की कड़कड़ाहट ने हमें डरा दिया, लेकिन उससे ज़्यादा हम डरे थे आवाज़ों से, आवाज़ें जो हमारे कानों में पड़ने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग बोल रहे हों, और ये आवाज़ें सिर्फ एक दिशा से नहीं, अलग अलग दिशाओं से आ रही, जैसे भीड़ बात कर रही हो। जब ऐसे तेज़ हवाएं चल रही होती हैं ना, आवाज़ सही से किस दिशा से आ रही है पता नहीं चलता, हवाओं के कारण वो दिशा का भ्रम सा होने लगता है। हम चौंक से गए, हमें लगा यहाँ लोग हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, टापू पर ही होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों की आवाज़ आ रही है, घर होंगे यहाँ, हो सकता है यहाँ टूरिस्ट रहने के लिए भी आए हों। भाई चलो चलो उस तरफ बढ़ते हैं, खाना फिर खाते हैं। जो खाना शुरू किया था हमने जल्दी से समेटा और आवाज़ों का पीछा करने लगे। कभी तो आवाज़ दाईं तरफ से आती, हम रुक जाते, वो दाईं तरफ सड़क से नीचे उतर कर, वो रास्ते से नीचे उतर कर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे। अचानक हवा का झोंका दूसरी तरफ से आता तो आवाज़ें दूसरी तरफ से आने लगती। हम भटकने लगे थे, आवाज़ों का पीछा तो करना चाहते थे, लेकिन तेज़ हवाओं से हमें बचना भी पड़ रहा था। फिर मैंने जोसेफ को कह दिया, हमें उस पगडंडी पर रास्ते पर रुके रहना चाहिए, हवाओं के कम होने का इंतज़ार करना चाहिए। ये कहने की ही बात थी जैसे जबान से ये शब्द का इंतज़ार कर रही थी वो हवाएं। अचानक एक मिनट के अंदर हवाएं चलना बंद हो गई, वो बादल तो घिरे हुए थे, ना बारिश पड़ रही थी ना तेज़ आंधी चल रही थी, पत्ते तक हिलना बिल्कुल बंद हो गए। और अब किस दिशा से वो आवाज़ें आ रही हैं हमें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो रास्ते से नीचे उतर कर एक तरफ कुछ पेड़ों को पार करते हुए जब हम आगे पहुँचे, हमें नज़र आए काले रंग के कपड़े पहने लोग। ये 20 से 25 लोग होंगे, बीच में उन्होंने आग जला रखी थी, आग के ऊपर पत्ते बिछा रखे थे और पत्ते पर दो लकड़ियों के बीच एक जानवर को भून रहे थे। शायद ये यहाँ कोई जानवर पकड़कर खाने की कोशिश कर रहे होंगे, या हो सकता है यहाँ जानवर ना हो, कहीं और से लेकर आए हों, यहाँ पिकनिक के लिए आए हों। लेकिन उनके जो कपड़े थे ना, वो बहुत ज़्यादा अजीब थे, काले रंग के पूरे चोले, सर भी ढंका हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई जादू का अनुष्ठान कर रहे हों। मैंने जोसेफ को इशारा करके कहा था, क्या हमें आगे जाकर इनसे बात करनी चाहिए? जोसेफ ने कहा, यहाँ सिर्फ यही है, बात तो करनी चाहिए, लेकिन इनके कपड़े अजीब से लग रहे हैं। हम दोनों ने यही सोचा कि थोड़ा आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। जोसेफ थोड़े से कदम आगे बढ़ाकर आवाज़ लगाकर कहने लगा, भाई साहब देखिए, तूफान काफ़ी ज़्यादा था तो हम इस टापू पर आ गए, क्या यहाँ कोई घर वगैरह कुछ होगा? हमारी सेहत थोड़ी ख़राब लगती है, जैसे थोड़ी ठंड सी लग गई है। उसने बस ये शब्द कहे थे, वो जितने भी लोग थे उन्होंने इस तरफ देखना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने जो चोले पहन रखे थे उनसे अपने पूरे चेहरे को ढका हुआ था, अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था ये अजीब से चोले, और वो ना कुछ बोले ना हिले, बस हमारी तरफ देखने लगे। हमने दो तीन बार और कहा था, भाई साहब आप थोड़ी मदद करेंगे? सवाल हमने कई पूछे थे, कोई भी हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो धीरे धीरे कदम आगे की तरफ बढ़ाने लगे, और अचानक हमने ध्यान दिया, उनके हाथों में हड्डियाँ थी, हड्डियों के ऊपर लगे हुए चाकू, जैसे उन्होंने हड्डियों से भाले बना रखे हों। और अगर सामने वाले के पास हथियार हो और वो आपकी तरफ भाग रहा हो, सोचने की ज़रूरत नहीं, वहाँ से भागो,
यही हम दोनों के दिमाग में सबसे पहले ख्याल आए थे। हमने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया उसी रास्ते के ऊपर, और वो हमारा पीछा करने लगे। उनमें से 5-7 ही थे जो हमारा पीछा कर रहे थे। हम आगे आगे और वो हमारे पीछे पीछे। एक ने वो हड्डी जिसके ऊपर चाकू लगा था छोड़कर भी मारा था, लेकिन वो एक पेड़ पर गड़ गया। अगर किसी की पीठ पर वो चाकू लगता ना, यकीनन मैं या जोसेफ यहाँ गिरे होते, और शायद दूसरा मदद भी ना करता। हम दोनों ही डरपोक थे। हम दोनों जानते थे अगर दोनों में से किसी एक को पकड़ा गया तो दूसरा मदद नहीं करेगा। ये बात हम दोनों में पूरी तरह से क्लियर थी, इसीलिए हम बस उस रास्ते पर आगे निकलते जा रहे थे। यहाँ से बचना चाहते थे क्योंकि हवाएं बंद हो चुकी थी, यकीनन लहरें भी उठना बंद हो गई होंगी, तो हमें जल्दी से अपने नाव तक पहुंचना चाहिए। शायद यहाँ से निकलना ही सही होगा। क्या हम निकल सकते हैं? ये सोचते हुए हम वहाँ से आगे भागते गए, लेकिन वो हमारा ऐसा पीछा कर रहे। हमें लगा था 5-7 हैं जो हमारे पीछे हैं, लेकिन आगे हमें कुछ झोंपड़े नजर आए। कमाल की बात, उन झोंपड़ों के आसपास वो काले रंग के कपड़े पहने सभी के सभी लोग दिखते जा रहे थे, जैसे सभी ने एक ही जैसे कपड़े पहने हो और कोई भी एक दूसरे का चेहरा देखना ना चाहता हो। वो चारों तरफ से हमें घेर रहे थे, बाकी दाईं तरफ बाईं तरफ हमें जैसे उन घरों के आसपास घेरा जा रहा, और बचने के लिए हमारे पास खास रास्ते भी नहीं थे। अनजान टापू पर भागकर निकलते भी तो कहाँ। हम घरों के पीछे की तरफ छिपने लगे और वो भीड़ बनाकर हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे। वो पागल हो गए थे, सामने दिखने वाली हर चीज को चाकू से तलवार से ऐसे काट रहे थे जैसे हमें भी वैसे काटना चाहते हो। गुस्से भरी वो आवाजें, लेकिन शब्द हमारे कानों में पड़ रहे, समझ में नहीं आ रहे। ये भाषा कौन सी थी ये हमें पता नहीं था, लेकिन उनके गुस्से का अंदाजा लगा पा रहे। वो चीजों को बिखेर रहे, चीजों को तोड़ रहे, गुस्से में हम छिप रहे। वो जंगली से इलाके में घरों के पीछे ही हमने एक ऐसे ही बक्से को देखा। हमें लगा चारों तरफ से हमें घेर लिया जाएगा। बचने के लिए इस बक्से में चुप करके छिप जाना चाहिए। हम उस बक्से में छिप गए, ऊपर से लगा लिया ढक्कन। हमें 15 मिनट तक कदमों की आवाजें सुनाई देती रही थी। वो कदमों की आवाजें, वो भीड़ हमारे करीब ही थी, और उसके बाद हमें उनके शब्द भी समझ में आने लगे। वो हमारी भाषा अब बोल रहे थे, और उनके शब्द ज्यादा डरावने थे। वो आपस में बातें कर रहे, जब वैसे ही दो लोग हमारे उस बक्से के पास खड़े थे ना, वो कह रहे, जल्दी से पकड़ो उसका सर, मैं काटूंगा उसका सर, उसकी बाजू को ना तुम उधर से पकड़ना, मैं उधर से पकड़ूंगा, खींचकर रस्सी से खींचकर ना हम अलग करेंगे धड़ से, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं और जोसेफ इतना डरे हुए थे कि उस बक्से में कांप रहे थे। जब मौत करीब आती है शरीर कांपने लगता है, भले ही ठंड ना भी लग रही हो। हमारे पास बचने का जैसे कोई रास्ता नहीं था। हम ऐसे टापू पर थे जहां हमें कोई जानता तक नहीं था। वो हमें पकड़ लेते तो मार डालते। हमने तब एक तरीका ढूंढ निकाला। ये मेरे दिमाग की उपज थी। मैंने कहा, देख देख ऊपर ढक्कन उठाकर देख, क्या यहाँ आसपास कोई है। हम जब आपस में देख रहे थे, हमने देखा जितने भी वो काले चोले वाले आदमी थे, एक दूसरे से कोई ज्यादा खास बात नहीं कर रहा था। जब करीब आते तभी वो बोलते, लेकिन काले चोले में सभी ऐसे ढूंढ रहे थे कि किसी को ये पता ही नहीं, कोई अनजान भी काला चोला पहनकर उनके बीच आ जाए, किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने जोसेफ को कहा, क्या ये काला चोला कहीं से हम ढूंढ सकते हैं? अगर हम दोनों ये काला चोला पहन लेना तो इस भीड़ से बचने का तरीका ढूंढ सकते हैं। देखो कैसे जंगल में सभी भटक कर ढूंढ रहे हैं, बीच से हम निकल जाएंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। जोसेफ ने कहा, काला चोला कहाँ से मिलेगा? मैंने कहा, बक्से से निकलना तो होगा हमें, ज़्यादा समय यहाँ छिप कर भी बच नहीं पाएंगे। अभी भीड़ थोड़ा आगे निकल चुकी है, किसी घर के अंदर ऐसे काले चोले को ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, घर आसपास ही हैं ये झोंपड़े से। जोसेफ के पास हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की। मैंने उसे भी बाहर निकाला, मैं खुद भी बाहर निकला। एक घर के अंदर हमने देखा, वहां ऐसे काले चोले कई पड़े थे,
जैसे कपड़े हर दीवार पर टंगे हुए। हमारा काम कितना ज्यादा आसान हो गया, वहां कोई मौजूद नहीं था। जल्दी से अपने कपड़ों के ऊपर ही हमने वो काले चोले पहन लिए और ध्यान दिया किसी ने भी जैसे नीचे कोई पहना हो किसी को दिख नहीं रहा था। वो काले चोले पहनकर कांपते हुए हम घर से बाहर निकले और वहां दो वैसे काले चोले वाले आदमी और थे। उन्होंने हमें पहचाना ही नहीं, वो हमारे करीब से गुजर गए। मेरी टांगे उस समय कांप रही थी, हाथ में उनके हड्डियां थी, सामने वो चाकू, जबकि हमारे हाथ खाली थे। कहीं इससे ना पहचान लें ये ख्याल भी थे, लेकिन उन्हें पता लगा ही नहीं। हम वहां से टापू से बाहर निकलना चाहते थे। मैं दोबारा नाव तक पहुंचना चाहता था और ऊपर ध्यान दिया, बादल तो थे लेकिन इस बार वो काले बादल नहीं थे, काले बादल छंट चुके थे। हमें नाव के करीब पहुंचकर यहां से निकलना चाहिए, ये सोच रखते हुए हम वो कपड़ों के साथ ही वहां से वो रास्ते से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन रास्तों से हम आगे बढ़ते गए, वो काले चोले वाले आदमी हमें रास्ते में बहुत बार मिले, किसी ने नहीं पहचाना। हम अपने अंदर की वो शक्ति को जगाते हुए, अपनी हिम्मत को बांधे हुए, उनके करीब से निकलते निकलते अब उस रास्ते से नीचे उतरकर तट तक पहुंचना चाहते थे। जैसे ही वो पहाड़ी के एक तरफ हम पहुंचे, नीचे तट था, लहरें बहुत ऊंची, बहुत ज़्यादा हिल रही और ऐसा लग रहा था ये लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। हवाएं बंद हो चुकी थी लेकिन लहरें ऊंची उठ रही, कभी नीचे जाती। ऐसे हालात में नाव को चलाया नहीं जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे आगे कुआं हो और पीछे खाई हो, न आगे जाया जा सकता था न पीछे जाया जा सकता था। वहां खड़े हम यही सोच रहे थे, हमें खाने पीने का सामान भी फेंकना पड़ा, बैग भी फेंकने पड़े, क्योंकि काला चोला हमें पहनना था, बाकियों जैसा बनना था, बचकर हमें रहना था। अब क्या करें, कितने समय तक हमें यहाँ इंतजार करते रहना होगा। वहाँ हम पेड़ों के बीच झाड़ियों में छिपे रहे, ऊपर से आवाज़ें आती रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अब भी वो हमें ढूंढ रहे हैं। 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, वहाँ अंधेरा हो चुका था। वो पूरी रात गुजारने के बाद हम वहाँ छिपे और लहरें थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा लग रहा था कि नाव को हम चला नहीं पाएंगे, यहाँ हमें कब तक छिपे रहना होगा, इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए था। तभी जोसफ ने कहा, इस टापू से निकलते हैं ना, इन लहरों को चीरकर जाने की कोशिश करेंगे, देखो पर बादल बहुत कम हो चुके हैं, वैसे ही लहरें उठ रही हैं, इस टापू के आसपास होगा ना, तो निकलते हैं यहाँ से, चल चल। मैं जोसफ की यह बात मानना नहीं चाहता था, लेकिन इस टापू पर ज़्यादा समय हम भी छिप नहीं पाएंगे। अगर उन्हें नाव का पता लग गया ना कि हम नाव से भागना चाहते हैं, वो नाव को तोड़ डालेंगे, फिर यहाँ से हम बच नहीं पाएंगे, बचने का कोई और रास्ता शायद हमें ना मिले। जैसे ही हमने कदम बढ़ाने शुरू किए उस नाव की तरफ, अचानक हवाएं चलना शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज चलने लगी थी, हमें पीछे की तरफ धकेल रही थी। मैं भी जोसफ को कह रहा और जोसफ मुझे कह रहा, ये क्या हो रहा है। तभी समंदर के बीच से बड़ी बड़ी आंखें दिखी, बड़ी बड़ी ऐसी आंखें जैसे समंदर का कोई बड़ा शैतानी जीव उस नाव को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा हो। इतनी बड़ी आंखें किसी जीव की नहीं होती और उंगलियां समंदर से ऐसे निकली जैसे कोई बड़ा शैतान उस नाव को अपनी उंगलियों में दबोच लेना चाहता हो। हमारे सामने उस नाव की धज्जियां उड़ा डाली थी, वो जो भी था वो समंदर से निकला और नाव को अपनी उंगलियों से तोड़ने के बाद, पूरे के पूरे हिस्से को खींचने के बाद उसी समंदर में जा चुका था। और हमारी आंखें खुली की खुली, बचने का एक ही रास्ता दिखा था और हमारे दिमाग में जैसे ही वो ख्याल आया, हमारी नाव को तोड़कर भी समंदर में जैसे बहा दिया गया। अब हम वहीं छिपे रहे। वो दोपहर का वक्त बीत चुका था, भूख के मारे बुरा हाल था, खाने को हमारे पास कुछ नहीं था, पीने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। मैं और जोसफ यही बातें कर रहे थे कि यहाँ छिपे हुए ज़्यादा समय हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा समय बिता नहीं पाएंगे, बचने का कोई और तरीका ढूंढना होगा, खाना ढूंढना होगा। जहाँ से ये लोग आए हैं, जिस रास्ते से,
नाव का इस्तेमाल करते होंगे, किसी और चीज़ का इस्तेमाल करते होंगे, उसी का इस्तेमाल करेंगे, उसी से यहाँ से बचकर निकलेंगे। मैंने भी उसकी बात को समझा। हम उस रास्ते से ऊपर की तरफ गए, फिर एक पेड़ जिस पर नारियल लगे हुए थे। हमने प्लान बनाया कि नारियल तोड़कर हमें खाना होगा, नारियल का पानी पीना होगा। उस पेड़ पर चढ़ने के बाद मैंने वो दो नारियल काटकर नीचे फेंके थे, फिर मैं भी नीचे आ गया। ऊपर पेड़ के दूर दूर तक नजर आया था मुझे। ये टापू बहुत ज्यादा बड़ा था, घने जंगल के समान। उसके सिवा मुझे दूर दूर तक कुछ और नजर नहीं आया। हमने उस नारियल को एक चाकू के जरिए काटा, वो पानी को पिया, तब जाकर हमारे गले को चैन आया था। वो नारियल खाया भी। उसके बाद वहाँ खाने पीने की चीज़ें हमें ढूंढनी थी, कुछ ना कुछ तो खाना था ना। अब मौत करीब दिखने लगी तो हम उन्हीं काले चोले वाले लोगों के घर से खाना चुराने की सोच रहे थे। यहाँ रहेंगे, उनके बीच छिपेंगे, खाना खाएंगे और निकलेंगे। काला चोला तो हमने भी पहन रखा है। ये सोचकर हमने वो काला चोला अब ऊपर की तरफ ओढ़ा, सीधा चलने लगे। हमें दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आया। उसी रास्ते से हम आगे बढ़ते गए। हमें लग रहा था जैसे ही कोई नज़र आया ना, बात नहीं करेंगे, बस चलते जाएंगे अकड़ में, उसे भी पता नहीं लगेगा। लेकिन कोई नज़र ही नहीं आया। आगे कुछ घर दिखने लगे। ये झोंपड़े जैसे नहीं थे, ये ईंटों के बने हुए और कुछ लकड़ी के बने हुए घर। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच में गांव बना हो, और ये छोटा गांव नहीं था, बड़ा गांव दिख रहा। और जैसे ही एक खेलते हुए बच्चे पर मेरा ध्यान पड़ा, मैं सोचने लगा इसने काला चोला नहीं पहना है, ये कोई बच्चा है। अब अगर यहाँ सबने वो काले चोले उतार दिए हुए, फिर तो पकड़े जाएंगे ना। अब जोसफ भी इस बात पर ध्यान दे रहा और मेरा भी पूरा का पूरा ध्यान इसी बात पर था। अगर ऐसा हुआ तो हम मुसीबत में फंस सकते हैं। मैं भी घबरा चुका था, जोसफ भी घबरा चुका था। और वहाँ कई लोग थे जिन्होंने चोले नहीं पहन रखे थे, एक एक करके घरों से बाहर निकलने लगे और हमें देखकर चौंकने लगे। वो बच्चा बहुत करीब खेल रहा था। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, हाथ में चाकू तो था ही। मैंने जल्दी से उस बच्चे को उठा लिया। अगर किसी ने मुझ पर हमला किया, मैं इसे चाकू से मार डालूंगा, ये मैंने मुंह में ही बोला, ऊंची आवाज कर ही नहीं पाया। बच्चे को उठाकर पीछे की तरफ भागने लगे थे हम, और वो गांव के लोग, वो घरों से निकले लोग हमारे पीछे पीछे। लेकिन वो घना जंगली सा इलाका था, बच्चे को लेकर कभी दाईं तरफ कभी बाईं तरफ से होते हुए उनसे दूर निकल आए। बच्चा रोता जा रहा था। जोसफ कह रहा, इस बच्चे के साथ क्या करेंगे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा हमें वो पकड़ लेंगे, तो मैंने इस बच्चे को उठा लिया। अब अगर किसी ने कुछ किया ना, तो बच्चे की गर्दन पर चाकू रखूंगा और कहूंगा हमें कुछ मत करना, हमें यहाँ से जाना है। ये अब इन्होंने कपड़े नहीं पहने थे ना, तो क्या हमें भी अब कपड़े उतार देने चाहिए? मैं जोसफ से पूछ रहा था, और हम दोनों के पास इस बात का कोई खास जवाब नहीं था। वो जो बच्चा था उसकी उम्र 5 साल होगी, वो भी ज़्यादा बोल नहीं पा रहा था। वो तो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, रोने की कोशिश कर रहा, और मैं उसके मुंह पर हाथ रखे हुए उसका रोना बंद करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अचानक पीछे से एक आवाज़ आई और मेरी पीठ में जैसे हल्का सा चाकू चुभा हो। जैसे ही मेरी पीठ में चाकू चुभा, मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगा। एक बूढ़ा आदमी, उसने अजीब से चमड़े के कपड़े पहन रखे थे, पत्ते शरीर पर लपेटे हुए, बड़ी दाढ़ी थी उसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की, हाथ में आगे चाकू, वो भी जंग खाया और एक लकड़ी का हिस्सा मेरी तरफ तान कर कहने लगा, अपने इस चोले को उतारो, चोले को उतारो, मैं चेहरा देखना चाहता हूँ, चोले को उतारो, चोले को उतारो। मैंने अपना वो चोला उतारा, उसी के साथ जोसफ ने भी अपना चोला उतारा। हमें देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था, जैसे उसका चेहरा उतर गया हो। उसके बाद जैसे वो इधर उधर देखकर कुछ सोचने लगा, और फिर वो भाला मेरे बिल्कुल सर के करीब लाकर कहने लगा, बच्चे को छोड़ो, बच्चे को छोड़ो, अभी बच्चे को छोड़ो। हमने बच्चे को छोड़ दिया। मुझे लगा अब ये हमें मार डालेगा, ये मार डालेगा, लेकिन उसने बच्चे को जाने दिया। जब बच्चा वहां से चला गया, उसने भाला पीछे की तरफ किया और कहने लगा, तुम्हें यहां रहना सीख लेना चाहिए, यहां कैसे खाना है
कैसे पीना है, जल्दी से सीख लो वरना मुश्किल बहुत ज्यादा होगी, जल्दी सीखोगे तो काम ज्यादा आसान रहेगा। ये कहकर वो जंगल में अंदर की तरफ भाग गया। पता नहीं क्या करने आया था, बस बच्चे को छुड़ाया उसने, मुझे लगा नुकसान पहुंचाएगा, बिना नुकसान पहुंचाए यहां से दूर जा चुका था। मैं और जोसेफ अब जंगल के और अंदर की तरफ भागने लगे। हम एक और तट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, शायद लहरें कम हो गई हों, तट पर कोई ना कोई नाव खड़ी हो, इनकी नाव हो, उस नाव के सहारे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ये सोचकर तट ढूंढने के लिए जंगल की एक बाईं तरफ वाले रास्ते पर हम बढ़ते रहे। जब बहुत ज़्यादा थकान हो गई, तब भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, और तब पहचान वाले वो पेड़ पौधे जिनके पत्ते खाए जा सकते थे। हमने सीखा था जब कुछ खाने को ना मिले, ऐसे पेड़ों के पत्ते जो जहरीले ना हो खाए जा सकते हैं। पत्ते खाए थे हमने भूख मिटाने के लिए, नारियल का पानी पिया था हमने प्यास बुझाने के लिए, जमीन पर कई जगह खड्डे पर वो बारिश का पानी रुका होता उसे पीना पड़ता, वो गंदे पानी को, इस तरह बच रहे थे। वो पूरा दिन गुजार दिया लेकिन तट तक नहीं पहुँच पाए थे, जैसे इस टापू का कोई उस तरफ वाला तट ही मौजूद ना हो। उस आदमी की बातें अब समझ में आ रही थी, वहां कोई आदमी दोबारा नजर नहीं आया। ढूंढते रहे हम अगले कई दिनों तक, हम जंगल के उसी इलाके में रहे, खाने पीने की चीजें हमें मिल रही थी, तट नहीं मिल रहा था। पत्ते खाने पड़े हमें, लकड़ी खानी पड़ी हमें, हमें नारियल से काम चलाना पड़ा। कई जगह फल लगे होते, कुछ जहरीले होते जो हमें बीमार करते, वो खाने को छोड़ रहे थे, समझ रहे थे। दिन बीतते गए, उसके बाद हमें दूसरी जगह जाना ही सही लगा। अगर उन लोगों से लड़ना पड़ा, उन्हें मारना पड़ा तो मारेंगे, बचने का रास्ता ढूंढेंगे, यहाँ तो मारे जाएंगे। हम उस दिशा में वापस गए थे, दोबारा वो गांव नहीं मिला, वो बच्चा नहीं मिला। हम बस किसी इंसान को देखना चाहते थे, जैसे सभी इंसान उस टापू से गायब हो गए हों। और हमने वो रास्ता कई दिनों बाद ढूंढा, जहाँ से हमारी नाव डूबी थी उस जगह कहीं से पहुंच पाए। ये तट के पास कोई शैतान देखा था हमने। हम जब समुंदर के उस इलाके तक पहुंचे, वहां कोई नाव नहीं थी, और आसपास दूर दूर तक काले रंग का समंदर, लहरें बिल्कुल नहीं थी। हमने सोचा लकड़ियों को काटकर नाव बनाएंगे, लेकिन चप्पू के सहारे क्या हम यहाँ से निकल पाएंगे या नहीं, इस चीज़ का हमें जवाब चाहिए था। और हमने जवाब ढूंढने के लिए लकड़ियों को काटा, वहाँ कई लोहे की चीज़ें थी, घिस घिस कर हमने तलवारें चाकू बनाए, उन लकड़ियों को काट काट कर नाव बनाई। जैसे ही उस नाव को पानी पर रखा, चप्पू चलाने की कोशिश करनी थी हमें, लेकिन उस नाव को उस बड़े से जानवर ने अपनी उंगलियों में भर कर उस नाव को जैसे पानी में खींच लिया, और हम वो झटके से वहीं रुके रह गए। पानी में वो शैतान था जो हमें नोच लेना चाहता था। हम एक ऐसी जगह पर थे जहाँ सब कुछ अजीब हो रहा, लेकिन समंदर का ये बड़ा सा जीव हमें जैसे ये टापू को छोड़ने नहीं देना चाहता था। उसके बाद हमने लकड़ियों को घिसकर वहाँ आग भी लगाई थी, धूप निकल आई थी, लहरें बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पानी में उतरने से डर लगने लगा था। हमने ये सोचा कि आग जलाकर धुआं करेंगे और तब यहाँ कोई ना कोई नाव पहुँचेगी, कोई बड़ा जहाज पहुँचेगा, धुआं देखेगा, मदद के लिए आएगा, हमें बचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो टापू पर दोबारा इंसान मिल नहीं पा रहा था। समय बीतता जा रहा था, जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरा और जोसेफ से झगड़ा होने लगा। वो कुछ अलग करना चाहता था, यहाँ से निकलना चाहता था, भले ही मारा क्यों ना जाए, मैं यहीं रहना चाहता था, मैं उस बड़े जीव का खाना बनना नहीं चाहता था, समंदर में डूब कर मरना नहीं चाहता था। 2 महीने बीत चुके थे, मैं जोसेफ से अलग एक खास जगह लकड़ी का घर बनाकर, वहीं पत्ते खाकर, वहां मछली को पकड़ने के लिए समंदर के किनारे उसी जगह जाता। एक छोटा सा जाल बहकर आया था जिससे मैं मछलियां पकड़ पाता था। जोसेफ वो टापू की दूसरी तरफ निकल गया, मुझे वो दोबारा नजर नहीं आया। मैं वहीं रहता रहा, इंतजार करता रहा, कोई ना कोई तो आएगा, कोई इंसान कभी मेरी मदद करेगा, लेकिन कभी किसी ने मदद नहीं की। वो समय बीतता गया, वो समय
बीतता गया। जिंदगी उसी टापू तक सीमित रह गई थी, जैसे उस टापू ने बंदी बना लिया था जिसकी सुरक्षा वो दैत्य करता था, जो यहां से बाहर जाने नहीं देता था। नाव बनाने की कोशिश सिर्फ एक दो बार नहीं की थी, कई बार। जब महीनों बीत जाते, जिंदगी उबाऊ लगने लगती, मौत अच्छी लगने लगती, दोबारा कोशिश करता मैं, लेकिन वो नाव को तोड़ देता, जाने नहीं देता। जैसे मैंने समंदर में एक बार छलांग लगाकर मौत को अपने आगोश में लेने की कोशिश की कि मैं किसी तरह बहकर इस टापू से दूर चला जाऊंगा। लहरें उठने लगती जो धक्का देकर दोबारा मुझे इस टापू पर ले आती। टापू जैसे खुद से हमें दूर जाने नहीं देना चाहता था। वो दैत्य जो लकड़ी की चीज होती उसे डुबा देता, लेकिन अगर मैं समंदर में तैरता तो वो हाथ तक नहीं लगाता, बस लहरें धकेल कर वापस टापू तक ले आती। यहां से दूर जाने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। समय बीतता गया, महीनों सालों में बदल चुके थे, साल बीतते जा रहे थे, जिंदगी पीछे रह गई थी। यहीं जीने का एक सहारा था, घर बनाए लकड़ी के और कपड़े, यहां जो मिलता टूटा फूटा सामान, लोहे का, पत्तों का, हर उस सामान को इकट्ठा करके घर में सजाता, जैसे एक अलग दुनिया का निर्माण करना था, जैसे एक गांव खुद ही बनाना था। रहना तो इंसानों को ऐसे ही पड़ता है। सालों से मैंने जो सबको नहीं देखा था, बीत चुका था बहुत समय। 30 सालों से मैं इस टापू पर कैद हूं और इंतजार करता हूं, शायद कभी इस टापू को छोड़कर बाहर निकल पाऊंगा। ये तेज धूप में मैं दोबारा अपने अलग जगह को ढूंढने के लिए निकला था। शायद उस तरफ नारियल लगे होंगे, वो पेड़ ज्यादा ऊंचे हैं, आज नारियल लेकर आता हूं, ये सोचकर मैं गया। तभी मुझे बच्चे के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। ऐसा लगा मुझे जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। मैं उस तरफ भागने लगा। इंसान इंसान, शायद कोई परिवार, कोई ना कोई यहां आया होगा ना। मैं भागकर आगे पहुंचा। मैंने देखा 2 लोग काले चोले को पहने एक बच्चे को पकड़े हुए, जिसकी गर्दन के पास उन्होंने चाकू रखा हुआ था। मेरा दिमाग घूमने लगा, शायद ये दृश्य मैंने देखा था, ये दृश्य मैं पहले भी देख चुका हूं। मैं याद कर पा रहा था जब हम टापू में फंसे, ऐसे ही काले चोले पहने इसी तरह के दिखने वाले बच्चे को उठाकर गांव से भागे थे। मैं जोसफ के साथ था, लेकिन मैं इस पल को सिर्फ याद की तरह देखना नहीं चाहता था, मैं मदद करना चाहता था। मैंने जो लकड़ी के आगे चाकू लगाया था, भाला बनाया था, वो एक की पीठ पर मारकर कहा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मैंने ये कहा, उसके बाद वो पीछे मुड़े। मैंने उनको कहा, ये चोला उतारो अपने चेहरे से। जैसे ही दोनों ने वो काला चोला उतारा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये चेहरे जाने पहचाने से थे, एक जोसफ जैसा दिखने वाला, लेकिन 30 साल पहले जब जोसफ जवान हुआ करता था, ये बिल्कुल वैसा, और दूसरा बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला। अब तो मेरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी आ चुकी थी, बहुत ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन वो बिल्कुल जवान, जब मैं इस टापू पर आया था बिल्कुल उस तरह। मैं घबरा गया, मैं समझ नहीं पा रहा था, ये क्या हो रहा है, क्या यहाँ समय की कड़ियां घूम रही हैं और दृश्य वो दिखाए जा रहे हैं जो पहले बीत चुके हैं। मैंने भाले को आगे करके कहा, बच्चे को जाने दो, बच्चे को जाने दो। बच्चा वहां से भाग निकला था और मैं भी सोचता रह गया, क्या मुझे इनसे बात करनी चाहिए, कुछ कहना चाहिए। मुझे बस एक ही बात समझ में आई, ये हमारा बीता हुआ भूतकाल है और मैं खुद को पहले भी देख चुका हूं। वो बूढ़ा आदमी जो हमें तब मिला था, वो मैं था इस समय का। इसीलिए मैंने उनको कहा, रहना सीख लो यहाँ, अब यहीं पर रहना है, कैसे रहना है ये तुम्हें जानना होगा। ये कहकर मैं वहां से भागा था दूर। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस टापू ने हमें कैदी बनाया, इसे समय काल में बांधा गया है,
ये ऐसी जगह है जहां से निकलना असंभव है। मौत को मुझे गले लगाना होगा। अब यहां से मैं बचकर कहीं नहीं निकल सकता। जब मैं आगे भागकर गया, मुझे आगे वो बच्चा दिखा जो वापस शायद अपने गांव की तरफ भागा जा रहा था। मैंने सोचा, देखता हूँ वो अपने घर तक पहुंचा या नहीं। मुझे ये पता नहीं था वो बच्चा किस तरफ गया था, देख कर आता हूँ। जब मैं उस बच्चे के पीछे जाता गया था, मैं उसी गांव तक पहुंचा था और वो बच्चा भागता हुआ गांव वालों के बीच तक गया और उसकी माँ ने उसे उठाया। वो चेहरा मैं भूल नहीं सकता। वो मेरी माँ का चेहरा था। मेरी माँ जब मैं छोटा हुआ करता था, वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। मैंने अपनी माँ को बुढ़ापे में भी देखा था। मैं उस गांव से दूर भागा जा रहा। मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। मेरे बचपन की वो घटना, मुझे लगा करता था शायद कोई मुझे उठाकर ले जाना चाहता था। जो उठाकर लेकर गया वो भी मैं ही था। अपनी जिंदगी में खुद के पलों को जैसे मैं कई बार जी चुका था, मैं अब मरना चाहता था। मैं खत्म हो जाना चाहता था। मैं उस टापू के तट की तरफ भागा जा रहा। मैं बड़ी तेजी से वहां से निकलना चाहता था। एक बड़े से लकड़ी के फट्टे पर छलांग लगाकर मैं बैठा और कहने लगा, हो शैतान मुझे ले ले अपने आगोश में, मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। मैंने हाथों से वो पानी को आगे किया और अचानक वो जीव जो निकला था पानी से, उसने अपने मुंह को खोला और पूरी लकड़ी समेत मुझे भी अपने मुंह में जैसे दबोच लिया और आंखों के सामने मेरे अंधेरा सा आ गया था। अचानक मैंने जब आंखें खोली, मुझे लग रहा था मैं मर चुका हूं, लेकिन मुझे छत दिखाई दी। ये छत पहचानी सी थी। जैसे ही मैं हड़बड़ाकर उठा, सामने मुझे मेरी माँ नजर आई। मेरी माँ उसी हालत में जब मैं अपने गांव से निकला था समंदर की ओर। मैं इधर उधर डर कर झांकने लगा और देखने लगा, ये कैसे दृश्य है। और माँ ने मेरी कान पर चमाट लगा कर कहा, समय हो गया है, बहुत देर कर दी तूने। आज तुझे समंदर में जाना था ना, जोसेफ तेरा इंतजार कर रहा होगा और मैंने खाना बनाया है, जल्दी से खा ले और जोसेफ को ले, जल्दी से निकलने का समय है। माँ ने मुझे गले से लगाया और मैं जब घर से बाहर निकला, मैं अपने गांव में था। मैं चलकर जा रहा, देख रहा, तारीख वही जब मैं जोसेफ के साथ समंदर में गया था। जोसेफ के घर में पहुंचा और जोसेफ नहा रहा था और कह रहा, रुक मैं अभी नहा कर आता हूं, माँ ने खाना बनाया है, तब तक तू खाना खा। मैं सहम गया था अपने शरीर को देख। आईने में मेरा शरीर 30 साल पहले पहुंच गया था। वो बीते हुए पल बस दिमाग में थे, लेकिन शरीर पहले जैसा ही। जोसेफ जब बाहर आया मुझे कह रहा था, खाना खा लिया, मैं खा नहीं पाऊंगा, माँ जल्दी से पैक कर दो, मैं रास्ते में खाता खाता जाता हूँ, चलो नाव में बैठते हैं। और मैंने जोसेफ को कहा था, आज जोसेफ समंदर में नहीं जाएंगे, आज मेरा मन नहीं कर रहा। जोसेफ कहने लगा, क्या हुआ, इतना मौसम साफ तो है। मैंने कहा, साफ है लेकिन आगे साफ नहीं रहेगा। जोसेफ थोड़ा झगड़ा करने लगा था, लेकिन मेरे आगे उसकी नहीं चलती थी। मैंने उस दिन ना उसे जाने दिया, ना मैं समंदर में गया था। और उसके बाद ना तूफान आया, ना मौसम खराब हुआ। वो दिन इसी तरह से गुजरा था। और जोसेफ ने मुझसे कहा था, तूने नुकसान करवा दिया। और मैंने कहा, जो मैं सहकर आया हूँ तुझे पता भी है, मैं खुद समझ नहीं पा रहा ये कैसे हो रहा है। मैं समय में फिर से वहीं पर पहुंच गया और जो बीता समय था जैसे वो एक काल खंड से गायब हो गया और मैं अपनी जिंदगी दोबारा उसी समय के मोड़ से जी सकता था। मैंने अपनी ये कहानी कई लोगों को सुनाने की कोशिश की, कई कहानीकारों तक पहुंचाई, लेकिन कोई इस कहानी पर यकीन ही नहीं करता। सबका कहना है, समय तो अभी बीता ही नहीं, समय में पीछे जाया ही नहीं जा सकता। लेकिन मेरी जिंदगी की ये घटना मैं किसी को कैसे बयां करूं। वो टापू अजीब था, वो शैतान भी अजीब था और मैं वहां 30 सालों तक रहा। अपनी जिंदगी के हर एक पल को आज तक आंखों के सामने जी सकता हूं मैं।